किसको? निराकार को। हाँ तो निराकार की अनुभूति निराकार से ही होगी, आकार से निराकार को आप कभी अनुभूत नहीं कर सकते। निराकार की अनुभूति सदैव निराकार से ही होती है और अनुभूति भी निराकार होती है, उसको कहा जाता है अनुभूति भी निराकार होगी। ये जो हम लोग इंद्रियों से जो अनुभूत करते हैं, इस अनुभूति की बात वहाँ नहीं हो रही है। अगर कोई ये सोचे कि जो अनुभूति का मतलब इंद्रियों से अनुभूति नहीं, इंद्रियों की अनुभूति नहीं है, वह आत्म तत्व की अनुभूति है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा की अनुभूति होगी। सारे आकार वहाँ समाप्त हो जाएंगे किसी भी पात्र में, जो शुरू में कहे कि भाई भरे ये घर रखा हुआ हटा दिया वहाँ, तो वो खाली स्थान हो गया तो निराकार हो गया। तो नहीं, वहाँ का वहाँ हवा थी कोई बता नहीं, तो उन हवाओं को भी हटा दिया गया। जैसे वैज्ञानिक साहब चैम्बर से हटा देते हैं, तो फिर वहाँ तरंगे हैं वहाँ पर, उन तरंगों को भी हटा दिया जाता है किसी विधि से, तब फिर वहाँ देखा जाएगा कि जो चीज़ है क्या उसका आकार है। हाँ, अगर आकार है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जैसे विद्युत है या प्रकाश है, हाँ, या गामा रे है, अल्फा रे है, बीटा रे है, बहुत सारे हैं, कॉस्मिक रेस है, तो क्या ये सब वहाँ हैं? अगर ये सब भी वहाँ नहीं है, सब कुछ वहाँ समाप्त कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया किसी कारण से, तब फिर वह स्थिति निराकार स्थिति बन जाएगी। और वह स्थिति जो है आँख से नहीं देखी जाएगी, कभी भी नहीं, इंद्रियों से कहीं भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आँख से देखने की क्षमता तो बहुत सीमित है ना, बहुत छोटे से, ये तो परमाणु को नहीं देख सकती है, अणु को नहीं देख सकती है। आँख से तो चश्मा लगा कर देखना पड़ रहा है अभी तो उसको क्या कर रहा है, तो अणु जो है अणु को नहीं देख पा रहे हैं आँख से, तो नहीं देख पा रहे। जिसका आकार हो ही नहीं, इतना सूक्ष्म हो चुका हो उसका आकार है, यानी जो विभाजित नहीं किया जा सकता, वैसी स्थिति में कोई तत्व पहुंच गया, इसका विभाजन अब संभव नहीं है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, वो बिंदु से सूक्ष्म हो चुका है, अत्यधिक जो काल्पनिक बिंदु हो सकती है उससे सूक्ष्म हो चुका है, तब वह निराकार तत्व है। और उसकी अनुभूति कभी इंद्रियों से नहीं होगी, उसकी अनुभूति सदैव निराकार तत्व से ही होगी। तो जो दूसरा निराकार तत्व है वह आत्म तत्व, उसको भी निराकार तत्व परमात्मा परमात्मा को एक या दो संख्या में, उसको थोड़ी परमात्मा को मानना जाता है। संख्या वो ठीक है, हम मान लिया की बात सब जानते हैं, जैसे नींबू और सगुन दो बात थी ना, तो हम लोग एक हैं कि एक हैं कि अलग अलग है, अलग अलग नहीं एक ही है, तो आकार और साकार में अंतर हो गया, तो वो अंतर हम लोग की अनुभूति के कारण है। परमात्मा तो एक अखंड है, हाँ वो अनंत है, ये नहीं है कि साकार भी अनुभूति के हिसाब से उसको दो भाग में बांटा गया है ना। हाँ, साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म दो भाग में बांटा गया है अनुभूति के आधार पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि साकार ब्रह्म ये है तो अलग अलग है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं, अलग अलग चीज़ नहीं है, तो अपने अपने अनुभव की बात, वो एक ही अस्तित्व की कंटिन्यूटी है, पूरे निरंतरता है। किस तरह आप उनका दर्शन पाते? हाँ, वो आपकी अनुभूति निराकार निराकार के दर्शन में भी आप साकार महसूस कर पाते हैं, नहीं कर सकते वो आत्मा से, साकार में भी निराकार का दर्शन हो जाएगा और निराकार में भी साकार का दर्शन हो जाएगा, दर्शन दोनों में होगा। तो वास्तविक दर्शन उसी के पास है जिसने निराकार में साकार और साकार में निराकार का दर्शन, लेकिन जो दर्शन नहीं किया है उनमें से दोनों विधि का, जो दर्शन नहीं किया है वो आप नहीं समझा, जो दर्शन नहीं किया है उसके लिए ये जो साकार है ना वो प्रकृत है, वो इसको प्रकृत कहेगा, प्रकृत समझेगा, वो इसको प्रकृत कहेगा, प्रकृत समझेगा, इसको वो परमात्मा नहीं मानता ना, कहता है वो कि परमात्मा दूसरा है, ये जो है ये प्रकृत है, वो भेद करता है, एक प्रकृत है एक परमात्मा है, इस तरह से वो भेद करता है। और सर्व परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ा वाक्य है। यही क्या कह रहे हो? भाई वहाँ बैठ कर साधना कर रहे थे, कुछ कहे थे विवेकानंद से पवारे वाक्य, तो बातचीत हुई उसके अंश तो है विवेकानंद के स्मरण, उनके संस्मरण में। Yeah.
वही बात हमारे ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी है कारण ही आकार पर बात हुई थी पूजा पद्धत पर बात किए थे विवेकानंद कि आप जो है अभी भी मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं जहाँ जाते थे वही चल देते थे क्या तो उसको भी वही दर्शा था तो उन्होंने कहा हमारे वन है कि सबके लिए पूजा सिर्फ अपने लिए नहीं किया दूसरों के लिए भी किया जाता दूसरे के स्तर के हिसाब से पूजा की जाती है साकार की पूजा निराकार की पूजा तो श्रेष्ठ संत तो वो है जो हर तरह की पूजा कर सके जो आम लोग हैं जो अभी साकार को समझते हैं तो उनको साकार की पूजा ही बतानी चाहिए उनको वहाँ से भटकाना ठीक नहीं गीता में भी भगवान ने लिखा हुआ बताया हुआ जिस भाव से हाँ जो मुझे जिस भाव से बचता है उसको उस भाव से भजने तो उसको वहाँ से भटकाओ मत हाँ हाँ वहाँ से उसका कैसा सही रास्ता और हो सकता है वह बताओ लेकिन उसको वो छुड़वाओ मत नहीं तो वो भी छोड़ देगा उससे ऊपर की साधना बताओ हाँ उसके साथ बताते हुए और उसका लिंक भी आपको बताते रहना कैसे इसके साथ वो जुड़ा हुआ है नहीं जान रहे थे कि विवेकानंद भी मूर्ति पूजा शुरू में हाँ शुरू में थे बाद में स्वीकार किए लेकिन स्वीकार किए तो कहे कि यह हीन स्तर की पूजा अभी नए साधकों के लिए वो भी मतलब उसको हीन उपाधि वही हाँ उच्च स्तर की पूजा नहीं है जबकि रामकृष्ण परमहंस मानते थे कि उच्च स्तर की पूजा है अच्छा क्योंकि कहते थे कि जो उच्च स्तर का है वही साकार में निराकार देख सकता है उसी को साकार में निराकार दिखाई पड़ता है सपना सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव रहा है अपने अपने अनुभव से लोग बताएं हमारे समझ से तो यही बात है विवेकानंद का अस्तर इसका मतलब ये लोग से नीचे थे परमहंस का स्तर बहुत ऊंचा था हाँ। वो जो सही बात बता रहे थे एकदम था विवेकानंद के हिसाब से अगर चलेंगे विवेकानंद के हिसाब से अगर चलेंगे तो निराकार अलग हो जाएगा साकार अलग हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस के हिसाब से चलेंगे तो निराकार और साकार एक ही है अलग नहीं है तो ये है तो ये तो बाद में जो अद्वैतवाद है जो वेदांत है जो अद्वैतवाद की बात करता है तो वो यही बात करता है कि साकार निराकार सब एक ही है लेकिन नहीं ज्ञान सरस्वती का तो त्रैतवाद था उनका जो है त्रैतवाद था वे अद्वैतवाद को नहीं मानते थे अर्थात कि परमात्मा अलग है प्रकृत अलग है जीवात्मा अलग है त्रैतवाद की बात करते समझाने की बात कर रहे समझाने की बात नहीं करते कहते ऐसा है ही मतलब लोगों को समझाते थे कि ये जड़ है जड़ तत्व है प्रकृति हाँ प्रकृत कहते थे ये जड़ तत्व है मतलब वो कहते थे कि वेद का जो रहस्य है वो यही है वेद जो है यही मानता है उनके हिसाब से लेकिन वही जो वेद व्यास हैं वे यह नहीं मानते कि वेद यही मानता है जो ध्यान करते थे भाई वेद तो उन्होंने भी लिखे हैं ना उन्होंने भी बताया ना तो वेदांत दर्शन तो उन्हीं का है नहीं वेद व्यास हाँ वेद भी उन्होंने ही संगीता के रूप में वो करवाया वेद व्यास ने और वेदांत दर्शन भी उन्होंने ही किया तो वेद के मर्म को वे अच्छा से जानते थे वेद व्यास वेद व्यास ये कहते हैं कि परमात्मा साकार भी है निराकार भी है और वो कंटिन्यूटी और वो एक ही है दो परमात्मा नहीं है कि साकार परमात्मा अलग है निराकार परमात्मा अलग है ये ऐसा भी नहीं है वो एक ही है एक अस्तित्व ही है
जो अभिव्यक्त हुआ है साकार में भी निराकार में भी, और निराकार में साकार है, साकार में निराकार है। क्या आपकी बुद्धि इतनी है कि आप ये सारी चीज़ समझ सकते हो? परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, क्या आप समझ सकते हैं? अगर समझ सकते हैं तो आपको ज्ञान है, अगर नहीं समझ सकते तो आपको ज्ञान नहीं है। क्या इस पहेली को सुलझा सकते हैं? अगर सुलझा सकते हैं तो ज्ञान है, नहीं सुलझा सकते तो ज्ञान नहीं है। अभी आप साधक हैं, सिद्ध नहीं। ये वेद व्यास ने जो दिया है सिद्धांत, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। नहीं, परमहंस तो परमहंस मूर्ति पूजा को हीन नहीं मानते थे, लेकिन विवेकानंद हीन मानते थे। वे कहते थे ये प्राथमिक स्तर के लोगों के लिए, जैसे कि बच्चे को कबूतर दिखला के क की ओर हम लोग ले जाते हैं, उस तरह की बात है। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब उसको आप हीन नहीं कहें, हीन कहेंगे तब तो आप मतलब छोटी जाति वाले बताते हो, छोटा तो हो ही गया वो बच्चा है मान लीजिए। हाँ, तो उसी के अर्थ में कह रहे हैं। लेकिन लो स्तर हीन शब्द का जो प्रयोग किए हैं ये गलत नहीं, वो शब्द की बात नहीं है, मतलब उसका स्तर की बात करता है, वो सही बात है। हाँ, तो वो स्तर की ही बात करता है, वो स्तर ही समझ लो। ये समझने की ठीक है, लेकिन आम भाषा में यह शब्द सही नहीं है। हीन शब्द और हीन मतलब वही होता है, लो स्तर का हीन मतलब वही। मतलब मुक्त होता है, लेकिन उसमें दूसरी भी वो कुछ अधम स्तर, अधम अधम उत्तम मध्यम अधम, तो कहते हैं ये जो है ये अधम स्तर का है, मूर्ति पूजा अधम स्तर का है, ध्यान साधना जो है वो मध्य स्तर का है, और अद्वैत साधना जो है वो उत्तम स्तर का है। नारायण सरस्वती ने भी विवेकानंद कहते थे इस बात को कि मूर्ति पूजा अधम स्तर का है, ध्यान साधना मध्यम स्तर का है, और अद्वैत साधना उच्चतम स्तर का है, उत्तम स्तर का है। द्वैत में थे वो त्रैत में चले गए, ये विवेकानंद द्वैत में थे। विवेकानंद अद्वैत, उनका उच्च स्तर का सिद्धांत जो था अद्वैत का था, वो अद्वैत मानते थे, जो आज शंकराचार्य भी मानते थे अद्वैत। अद्वैत का मतलब जो दो नहीं, लेकिन अद्वैत में विवेकानंद वेदांती थे, तो वेद को तो सब मानते हैं। तो वेद मतलब को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं, कैसे उसको समझें, उसके हिसाब से है। तो जैसे वो जो थे वो मिथ्या बांधते थे शंकराचार्य इसको, इस संसार को। हाँ, तो विवेकानंद नहीं मानते थे कि मिथ्या है, मिथ्या है तो फिर आप भी मिथ्या हो गए, प्रकृति में आप भी हैं, आप भी मिथ्या हो गए, तो आपकी जो बातें हैं वो भी झूठी हो गई, तब तो हाँ, तो शंकराचार्य के साथ ऐसी घटना घटी भी तो थी। एक बार शास्त्रार्थ में थे कि अब तो कहते हैं जगत मिथ्या है, हाँ तो जगत मिथ्या है, तो उनके पीछे हाथी छोड़ दिया गया, तो लगे भागने, तो कहे कि जब मिथ्या तो क्यों भाग रहे हो, तो कहे कि भागना भी तो मिथ्या है। अब देखो क्या होता है, ये भागना भी मिथ्या है। देखते रहो।